A very good morning, students. How are you? Hope you're doing well, and welcome to the another class of online classes today. And as you all know, we are continuing with our poem that is No Man or Foreign, written by James Cookup, right? And we have already completed two stanzas, and I have told you what actually James Cookup wanted and what he wants to write about the people, right? He says there is no man in this world, those who are foreign, because we are same. We are all together in this earth. We all are same because we all are human. There is, you cannot differentiate people, like, you know, on the basis of their place or color or language or even caste or any kind of thing. We cannot differ them because they all are same, right? You can see in the world there are people who can tell you that people are different. In many ways they will tell you that they are different. But James Cookup is trying to, you know, he is trying to very much that every person is same in this world. Every person is equal, and every person in beneath everyone is breathing. That means we all are human, and so we all are same. And that's why no person in this world is foreign. जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया के अंदर कई लोग आपको मिलेंगे, कई बातें आपसे कहेंगे, और वो कहेंगे कि हर इंसान अलग अलग है, वो बोलता अलग तरीके से, वो पहनता अलग तरीके से, वो खाता अलग है, और भी चीजें आप लोगों को बताया होगा। मगर जेम्स क्रिकप यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो अलग नहीं है, सभी इंसान जो है वो एक समान है। क्यों? क्योंकि भले वो कैसे भी पहनते हो, भले वो क्या कुछ खाते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर जो एक इंसान है, वो इंसान वही श्वास ले रहा है, वहीं पर चलता है, उसी धरती पे चलता है, उनको भी वही प्रॉब्लम होती है जो हमें हो रही है। और इसलिए वो कहता है कि कोई भी इंसान यहाँ पे फॉरिनर या स्ट्रेंजर कह सकते हैं आप, कोई भी इंसान कोई फॉरिनर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टू स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए थे पिछले वीडियो के अंदर, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और आज हम जो है आगे का जो है पैराग्राफ और जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिफोर वी गो टू दी अगेन, उसमें जाने से पहले मैं फिर से कहता हूँ, कुछ बच्चों ने वर्क भेजा है, देयर आर स्टिल जिन्होंने वर्क नहीं भेजा है, और मैंने आपको बहुत टाइम दिया है ना, बहुत टाइम दिया था वर्क भेजने का। ऐसा नहीं है कि जल्दी से, मैंने, मुझे पता है वो थोड़ा लेंथी एक चैप्टर था, फिर भी मैंने आप लोगों को कम से कम 3-4 दिन का वक्त दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ दैट यू विल बी सेंडिंग इट, और जिन्होंने सेंड नहीं किया है बेटा, यू शुड नो दैट मैंने आपसे कहा था मंडे को आप भेजेंगे, मंडे को नहीं भेजते हैं तो फिर सीधी सी बात है, वो अटेंडेंस आपकी गलत लग जाएगी, या आप कहेंगे फिर बाद में, आप कहेंगे कि सर हमने बाद में भेज दिया था। तो आप भी जानते हैं ये बात, पहले भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। एंड let's start with the poem again. Let's go back, come back to the poem. Let's open your book. After books, aap open kare. Or no men are foreign. Stanza number 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land, it's common life that all can recognize and understand. वो कहता है कि वो जो भी, जिनको भी आप स्ट्रेंजर कहते हैं, जिनको भी आप फॉरनर कहते हैं, उन लोगों के पास भी वही आंखें हैं जिसकी वजह से वो सोते हैं और उठते भी हैं, है ना। सोना उठना, जैसे हमारे पास ये आंखें, जब हम सोते हैं तो बंद करते हैं, उठते हैं तो वापस खोल लेते हैं। तो वो जेम्स क्रिकप कहता है वो भी उसी आंखों से देख रहे हैं, वो भी वही आंख यूज कर रहे हैं जो आंख हमारे पास है, ठीक है। फिर वो कहता है उनके पास भी एक बहुत ही प्यारी शक्ति है जिसका नाम प्यार है, है ना। वो भी शक्ति उनके पास भी और हमारे पास भी है, हम कोई सी भी जंग जीत सकते हैं उस चीज से। पर वो कहता है कि हम सब कॉमन लाइफ, हम सब जो जी रहे हैं, हम सब एक दूसरे को रिकग्नाइज भी करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तो वो सब लाइफ जो जिंदगी जो है हम सबकी सेम है ना। तो यहाँ पे जेम्स क्रिकप क्या चाहते हैं, वो बता रहे हैं आपको किस किस तरीके से जो है हम लोग सब एक समान है ना, कैसे अलग अलग तौर पे शायद लोगों ने हमें बांट रखा है, मगर हम कैसे एक समान है वो यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा फोर्थ स्टैंजा क्या कहता है, लेट्स रीड, लेट अस रिमेम्बर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्फ दैट वी शैल डिस्पोज अस, बिट्रे, कंडम, रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अगर आप फिर इसके बाद फोर्थ स्टैंजा में, वो बहुत ही एक बहुत पावरफुल वर्ड यूज करता है, पावरफुल एक स्टैंजा यूज करके वो बोलते हैं कि कभी अगर आपको कोई कहता है कि किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ, है ना, क्या कहता है, लेट अस रिमेम्बर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, जब हम कह रहे हैं कि हम सब एक समान हैं, दैट मींस
हमने ऑलरेडी ऊपर के तीन स्टैंडर्ड से पढ़ा, हम सब एक समान है, और फिर इसका मतलब हम सब भाईचारे में हम लोग भाई लोग हैं, है ना। और अगर कोई हमसे कहता है कि उसको नफरत करो, कुछ उन लोगों को नफरत करो या बाहर से जो आते हैं उनको नफरत करो, जो अलग कपड़े पहनते हैं उनको नफरत करो, जो अलग खाते हैं उनसे नफरत करो, अगर कोई आपसे कहता है कि उनसे नफरत करो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पहले सीखा है कि वो हमारे भाई है, तो हमें ये जानना होगा कि हम खुद के ही भाइयों के खिलाफ नफरत कर रहे हैं, हम खुद ही खुद के भाइयों की तरफ नफरत कर रहे हैं, हम उन्हीं को परेशान कर रहे हैं, हम उन्हीं को बिट्रे कर रहे हैं या कंडम उनकी नफरत कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो वो हम किसकी तरफ कह रहे हैं, हम खुद की तरफ, हम खुद को ही बुरा भला कर रहे हैं, है ना। रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम किसी के खिलाफ, अगर हम आर्म्स, आर्म्स मतलब यहाँ पे जो वेपन्स होते हैं, अगर हम किसी के खिलाफ कोई वेपन उठाते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि तो हम खुद के खिलाफ ही वेपन उठा रहे हैं, हम खुद के खिलाफ ही हथियार उठा रहे हैं, अगर हम किसी के खिलाफ उठाने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद के खिलाफ ही हथियार उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं, है ना, भले वो कितनी ही चीजों से अलग हो, मगर यहाँ पे जेम्स क्रिकेट कहता है हम सब एक हैं, एक समान है। तो इसका मतलब अगर आप नफरत करते हैं तो आप खुद ही से नफरत कर रहे हैं, आप दूसरों से नफरत नहीं कर रहे, आप खुद से नफरत कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, इसका मतलब आप खुद के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद वो लास्ट स्टैंडर्ड में कहते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन आर हेल्थ of fire and the outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. वो कहते हैं कि जब हम ऐसा कुछ करते हैं, बुरा भला करते हैं किसी के खिलाफ या कुछ भी करते हैं, तो हमारी ये धरती है, इसी धरती को ही हम बुरा कर रहे हैं, इसी धरती को हम नष्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब डिफाइन मतलब एक तरीके से अपवित्र कर सकते हैं आप, है ना, बुरा कर रहे हैं हम उसके साथ, इस धरती के साथ। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मान लीजिए कहीं दो देशों के बीच में जंग होती है ना। जब दो देशों के बीच में जंग होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दोनों तरफ के लोगों को ही नुकसान होता है, और खास तौर से हमारी धरती को, ठीक है। जब हम कोई बड़ा जंग करते हैं तो हम अपनी धरती को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने ही लोगों को, हम एक जो इंसान है, हम अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहता है, आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटवेज द इनोसेंस। वो कहते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो इसके बीच में कौन फंस जाता है, जो इनोसेंट है, जो बेकसूर, जिनको कुछ पता ही नहीं है, है ना। ऐसी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारी देश के बारे में या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के बारे में सुना होगा, जहाँ पे आए दिन जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, कई प्रकार के मिलिट्री जो भी प्रॉब्लम है, या लड़ाई होती है, वॉर होता रहता है, ऐसी कई कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, और कम्युनल प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पढ़ा। मगर जब हम देखते हैं वहां पे, देखते हैं कि जो मासूम बच्चे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो मासूम लोग हैं वहां पे रहने वाले आस पड़ोस में, जिनको कुछ पता ही नहीं है, है ना, जिनकी इन चीजों से मतलब ही नहीं है, वो लोग इसमें फंस जाते हैं, है ना। उन लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उनके घरों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है, कई तरीके से और नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे वो कहता है कि ये जो हवा हम खराब कर रहे हैं वो हमारा है, हम सबका है, मेरा, या ऐसे नहीं है कि मेरा कहने का ये जगह है और मैं खुद ही यहाँ पे संभल, नहीं, ये सबका है, पूरी दुनिया से है ये जगह। और इसी वजह से यहाँ पे जेम्स क्रिकेट कहते हैं कि जब हम कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं या कोई भी ऐसा कुछ करता है, तो वो हमारी ही धरती को नष्ट या हमारी धरती को खराब कर रहे हैं, और उसमें सबका कौन है, जो बेकसूर है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, वही इसमें फंस जाता है। और इसलिए लास्ट में वो फिर कहता है, रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है, फॉरेन नहीं है, यानी विदेशी या अजनबी नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अजनबी नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने बंटवारा किया, हम लोगों ने बांटा है हम लोगों के एक दूसरे को, राइट। तो इस वजह से धरती का कोई दोष नहीं है, इंसानों का कोई दोष नहीं है, मगर ये जब हम देखते हैं दुनिया में ऐसी कई चीजें हो रही है जिससे शायद इन चीजों को बहुत तकलीफ हो रही है, तो हमें सोचना है। यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी बोला, कई तरीके से हम लोगों को अलग अलग बताया गया है कि वो पहनता अलग है, वो खाता अलग है, वो भाषा अलग बोलता है, वो रहने वाला अलग दे देता है, तो कई चीजों से हमें अलग बताया गया। मगर जेम्स क्रिकेट बोलते हैं यहाँ पे, उनका कहने का, बोलने का मतलब ये, हम सब इसी धरती पे रहते हैं, वही सूरज से हम रोशनी लेते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी काम करते हैं जब जाके उनको कुछ मिलता है, हम भी काम करते हैं तभी हमें कुछ मिलता है, हम उसी धरती पे चलते हैं, वही पानी हम पी रहे हैं, वही हवा हम श्वास में ले रहे हैं, तो फिर हम कैसे अलग हुए, हम सब एक समान हैं, ठीक है। तो जेम्स क्रिकेट यही कह रहे हैं कि जब हम कुछ
बुरा किसी के बारे में सोचते हैं या करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम खुद के खिलाफ ही वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो ये जो पोयम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ चार क्वेश्चन आंसर है, ये तो आप एक दिन में कर ही सकते हैं, आज दिनेश चार क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या कहता है वो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दिनेश ऑल यूनिफॉर्म्स, व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज टॉकिंग अबाउट। नाउ यहाँ पे यूनिफॉर्म फर्स्ट क्वेश्चन कह रखे हैं वहां पे यूनिफॉर्म के बारे में, तो यूनिफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी कपड़े हम पहनते हैं या किसी भी चीज को आप मान लीजिए, आप यूनिफॉर्म को यहाँ पे कैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म को आप एक लैंग्वेज के रूप में बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म को आप अपनी ड्रेसेस के हिसाब से बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म को आप सोल्जर के यूनिफॉर्म के बारे में बोल सकते हैं, या यूनिफॉर्म को आप कुछ भी मान सकते हैं, मगर उनका कहने का मतलब ये था आप कैसे भी हो मगर अंदर तो एक ही इंसान है जो सांस लेता है, ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम, कैसे पोएट बताता है कि सारे इंसान सेम, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन आप लोगों ने स्टैंजा में भी देखे हैं। इन स्टैंजा वन फाइंड फाइव वेज इन विच वी ऑल आर अलाइव, पिक आउट द वर्ड। पहले स्टैंजा के अंदर ऐसी पांच बातें हमें बतानी है जिसके जिस तरीके से हम सेम है, हम एक समान है करके हमें बता, पांच सेंटेंस आप देख सकते हैं उसमें मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स यू कैन फाइंड इन द स्टैंजा टू, पिक आउट द वर्ड्स। और स्टैंजा नंबर टू में कितने वर्ड्स आप बता सकते हैं जिसका मतलब ये है कि हम सब इंसान एक समान है, तो वो बताना है। Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? और वो बोलता है कि जब इसमें एक लास्ट स्टैंजा आया था, सेकेंड लास्ट स्टैंजा में से कहा गया है कि जब भी हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, राइट, एक दूसरे से नफरत करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा कब होता है, कौन करता है ऐसे, क्या हमें ऐसे करना चाहिए, और पोएट उसके लिए क्या कहता है, जेम्स क्रिप्टप उसके लिए क्या कहते हैं, तो वो आंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो सिर्फ चार क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है। अब मेरे को, मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो पोएम है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आई बिलीव कि बहुत इजी पोएम है मगर बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ, लेसन के साथ ये पोएम आती है। तो ये पोएम आपने समझ में आ गई होगी, अगर समझ में नहीं आए तो आप एक बार रीड करें इस वीडियो को, एक और बार देखें, आपको समझ में जरूर हो जाएगा। एंड देयर विल बी अ टाइम, हम लोग जैसे कि आपको पता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में जब हम मिलेंगे वापस, वी विल बी कमिंग बैक इन द क्लासरूम, तो जब क्लासरूम में आएंगे तो हम आप लोगों के जो डाउट्स हैं इसको एक और बार रिविजन करेंगे, तो उसमें डाउट्स वगैरह भी क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो है, बट आई बिलीव आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा, उसी के साथ आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो आने से पहले आपको देना है, दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, जितनी जल्दी हो सके करना है, जो पहले का वर्क है वो भी कंप्लीट करके भेजिए जिन्होंने नहीं भेजा, ठीक है। तो टिल देन, आप टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।